नमस्कार। सेल ट्रैक के 33वें एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं सेल के भिलाई स्टील प्लांट से उमेश मलैत हाजिर हूँ सेल के कई ताज़ा तरीन गतिविधियाएँ, उपलब्धियाँ और कई महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सबसे पहले ले चलते हैं आपको हिमाचल प्रदेश के रोहतांग। देखते हैं क्या कुछ हो रहा है खास और सेल ने किया है कौन सा खास योगदान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर को 3000 मीटर से भी अधिक के ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी अटल रोहतांग सुरंग का उद्घाटन किया। इस सुरंग के निर्माण के लिए इस्तेमाल हुए 15,000 टन स्टील में से 9,000 टन से भी अधिक क्वालिटी स्टील की आपूर्ति सेल ने की है। माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने सेल की सराहना करते हुए कहा, यह सुरंग स्थानीय लोगों को आवागमन की सुविधा प्रदान करने के साथ साथ रणनीतिक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगी। सेल अध्यक्ष श्री अनिल कुमार चौधरी ने कहा, कंपनी भारत को मजबूती देने वाली इस परियोजना में भागीदारी से गौरवान्वित है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के दिशा में देश की हर जरूरी बुनियादी ढांचे की जरूरत पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज हैज नॉमिनेटेड श्री अनिल कुमार चौधरी चेयरमैन सेल एज द चेयरमैन ऑफ इट्स पीएसई काउंसिल। द चेयरमैन ऑफ सीआईए पीएसई काउंसिल एक्ट एज द की इंटरफेस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द मेंबर ऑफ द काउंसिल। सस्टेनिंग इट्स अपवर्ड ट्रेंड इन परफॉर्मेंस, सेल भिलाई स्टील प्लांट वंस अगेन टच न्यू हाईज इन द प्रोडक्शन ऑफ द मंथ ऑफ सेप्टेंबर 2020, वाइल डेली हॉट मेटल प्रोडक्शन क्रॉस द 16,000 टन मार्क इन 2 डेज इन द मंथ। भिलाईज SMS-2 एंड SMS-3 कंबाइंड टू रिकॉर्ड हाइएस्ट एवर प्रोडक्शन ऑफ 15,235 टन्स ऑफ क्रूड स्टील इन अ डे ऑन 25 सेप्टेंबर 2020। सेल्स कॉर्पोरेट विजिलेंस डिपार्टमेंट कंडक्टेड अ 2 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन प्रिवेंटिव विजिलेंस इन वर्चुअल मोड फॉर मिड लेवल एग्जीक्यूटिव्स एंड फ्रेश एंट्रेंस ऑफ द कंपनी ऑन 24th and 25th सेप्टेंबर। द चीफ गेस्ट इन द कंक्लूडिंग सेशन वॉज श्री संजय कोठारी, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। वाइल स्पीकिंग ऑन द ओकेशन, श्री कोठारी एम्फसाइज्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग द प्रिवेंटिव विजिलेंस मॉड्यूल्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस जनरेशन, डेवलपमेंट ऑफ ई फॉर्मेट्स एंड अमंग अदर्स टू ब्रिंग इन मोर ट्रांसपेरेंसी इन सिस्टम एंड प्रोसीजर्स। चलते चलते आपको बताते चलते हैं कि सेल के बोर्ड स्ट्रक्चर में क्या कुछ हुआ है फेरबदल। अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट ने कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बदलाव किया है, जिसके तहत डायरेक्टर रॉ मटेरियल्स एंड लॉजिस्टिक्स और डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स एंड बिजनेस प्लानिंग के पद को डायरेक्टर टेक्निकल के साथ मिलाकर एक नया पद डायरेक्टर टेक्निकल प्रोजेक्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स बनाया गया है। इसके साथ ही भिलाई, बोकारो, राउरकेला और बर्नपुर एवं दुर्गापुर में अब होंगे डायरेक्टर इंचार्जेस। इस बदलाव के बाद श्री HN राय सेल के डायरेक्टर टेक्निकल प्रोजेक्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स बने हैं। श्री अनिर्बन दासगुप्ता भिलाई स्टील प्लांट के और श्री अमरेंदु प्रकाश बोकारो स्टील प्लांट के डायरेक्टर इंचार्ज के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। सेल ट्रैक के रिलीज के नोटिफिकेशन को पाने के लिए सेल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार, शुक्रिया।